वेलकम टू माय आर्चेंट हाउस व्यूअर्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट शांतनु। शेयर करेंगे 25 फीट बाई 16 फीट 400 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। सो व्यूअर्स, चलते हैं प्लान डिटेल्स में। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। प्लान डिटेल्स में हमें 2 बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ड्राइंग एंड डाइनिंग और एक स्टेयर। सो व्यूअर्स, चलते हैं। पहले हम बिल्डिंग का जो साइज है ये देख लेते हैं। 25 फीट 25 फीट बाई इस तरफ 16 फीट, सो 25 फीट बाई 16 फीट 400 स्क्वायर फीट। देन हम क्रिएट करेंगे कॉलम, और कॉलम का जो साइज है ये 10 इंच बाई 10 इंच, बट स्टेयर का जो साइड में एक कॉलम दे के रखा हूँ ये 8 बाई 12 इंच का, दो कॉलम है। सो व्यूअर्स, टोटल हमने यहाँ पे 9 कॉलम का ज़रूरत होगा। और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका वॉल डायमेंशन और ये इस घर बनाने के लिए हमने कितना खर्च पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे स्टेयर बना लिया हूँ, 3 लैंडिंग का स्टेयर है, मतलब 3 फ्लाइट का स्टेयर है। मैंने यहाँ पे 2 फ्लाइट दिखाया हूँ और एक फ्लाइट ऊपर में के साथ दिखाएंगे। सो अब चलेंगे, हमने वॉल क्रिएट कर लेते हैं। वॉल 7 फीट 6 इंच तक हाइट हमने उठा लेते हैं, क्योंकि डोर का जो लिंटेल हाइट होगा ये 7 फीट के हिसाब से रखेंगे। सो हमने वॉल क्रिएट कर लेते हैं, ऑल वॉल। और वॉल का जो साइज है 5 इंच 125 mm, और ये फ्रंट साइड का है। देन हम देखेंगे इसका फ्लेंथ हाइट। हमने यहाँ पे स्टेयर के नीचे वाला जो देखिए पोर्शन थर्ड फ्लाइट में, यहाँ पे लिविंग रूम के हिसाब से यूज करेंगे, जहाँ पे हमने सोफ़ा भी आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेइंग कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो खर्च पड़ेगा वो भी हम बताएंगे आपको। और सो व्यूअर्स, प्लेंथ हाइट हम इरेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा प्लेंथ हाइट है, मैंने यहाँ पे 1 फीट रखा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं रोड के लेवल के हिसाब से। रोड से आप कितने ऊंचा पे घर बनाना चाहते हो सो उसके हिसाब से, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और ये प्लेंथ हाइट हमारा बन गया है। सो अब चलेंगे, जो हमारा मेन गेट है ये भी बना लेते हैं इस तरफ 6 इंच का हम बना लेते हैं लिंटेल। ये हमारा मेन गेट, और देन मेन गेट के बाद हमने हमारा हॉल रूम में पहुंचेंगे। और पहले हमें हॉल का एरिया भी देख लेंगे जो साइज है। सो और दो हमने यहाँ पे विंडो भी देंगे, जस्ट हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा 14 फीट 6 इंच। और फिर हम चलेंगे यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड करते हैं, और ये 7 फीट में है। और जो हमारा विंडो होगा उसका डेप्थ जो होगा ये 4 फीट 6 इंच का। सो हमने यहाँ पे एक 3 फीट 6 इंच का विंडो भी बना लेना है, ये विंडो। और एक लिविंग रूम में स्टेयर के जस्ट नीचे वाला पार्ट में भी हमने एक विंडो बना लेंगे, इसमें घर का लुक बहुत बढ़िया बन जाता है। सो बन गया है। अब इसका हमने वाइड है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 3 इंच घर का ये चौड़ाई है, ये बहुत ही छोटा है सो उसी हिसाब से रखा गया है। अब चलेंगे किचन, किचन स्लैब। और यहाँ पे हमने एक 3 फीट बाई 3 फीट का एक विंडो
डाल देंगे। बन गया विंडो और किचन का जो साइज है 6 फीट 3 इंच बाई 6 फीट 3 इंच का है, स्क्वायर है। अब चलेंगे हमारा बेडरूम 1, ये हमने फर्नीचर लेआउट यहाँ पे कर दिया हूँ और 2 बेड डाल दिया हूँ। अब चलते हैं, यहाँ पे 2 विंडो भी देंगे साथ में। इसका बेडरूम का जो साइज है 9 फीट 6 इंच बाई, इस तरफ हमें मिल जाएगा 8 फीट 6 इंच। जगह के हिसाब से ये बेडरूम बनाया गया है। सो व्यूअर्स, अब चलेंगे बीच में, हमने यहाँ पे हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, लेटरिन बाथ प्रोवाइड किया हूँ और साथ में यहाँ पे हमने एक वेंटिलेटर डाल देंगे। और वेंटिलेटर का जो साइज है 2 फीट बाई 2 फीट भी रख सकते हैं या 3 फीट बाई 1.5 फीट रख सकते हैं। सो इसका साइज ये 4 फीट है और लंबाई में हमें मिल जाएगा 7 फीट है। काफ़ी अच्छा टॉयलेट है और टॉयलेट के सामने हमने एक वॉश बेसिन दे के रखा हूँ। ये वॉश बेसिन हैंड वॉश करने के लिए, यहाँ पे मिरर भी डाल देंगे। देन हम चलेंगे दूसरा बेडरूम के और, बेडरूम 2। यहाँ पे हमने 2 विंडो बना लेते हैं, यहाँ पे एक और इस साइड में एक। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमने 2 विंडो देना चाहिए, वो एरिया और जगह के हिसाब से देना चाहिए। सो ये 2 विंडो बन गया है और अब इसका जो साइज है ये हमारा 9 फीट 10 इंच बाई, इस तरफ हमें मिल जाएगा 8 फीट 6 इंच। सो व्यूअर्स, अब चलेंगे हमारा जो स्टेयर दिया गया है, स्टेयर के डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टेयर का जो लेंथ है मैंने यहाँ पे 2 फीट रखा हूँ और जो ट्रेड है ये 9 इंच और जो राइजर होगा, हाइट होगा ये 6 इंच करके है। सो थर्ड फ्लाइट हमने ओमिट रखा हूँ, ये फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट। थर्ड फ्लाइट के नीचे हमने लिविंग रूम के काम करेंगे। सो व्यूअर्स, अब चलेंगे हमने घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। सो टोटल हमने यहाँ पे 25 फीट बाई 16 फीट, सो 400 स्क्वायर फीट, ये हमारा 400 स्क्वायर फीट। देन पर स्क्वायर फीट में हमने स्ट्रक्चरल के हिसाब से 1200 रुपया, सो 480,000 लगेगा। सो व्यूअर्स, आज का जो हाउस प्लान है कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए।